इसकी सर पे जो है एक आंख है और जबान जैसा जो बाहर देखने पर जो है मुंह इसका प्रतीत हो रहा है। आवाज यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इंसानी आवाज जब वो बोल रही है तो जिस तरह से इंसानी बच्चों की आवाज जो है बच्चे को कि आपने शायद ही कभी जिंदगी में देखा होगा कोई जानवर देख नहीं पहली बार इस तरह का कुदरत भाई सब तो कभी देख ही ना नहीं नहीं दिखा खड़ा हो पा रहा है कुछ नहीं हो रहा है कुछ खिला पिला रहे हैं दूध दे रहे हैं ऐसे दूध पचा रहे हैं बच्चों बच्चे की नहीं बोल रहा है इंसानी बच्चों जो हाँ तो मालिक की गणना है इंसान की तो गणना है नहीं। मैं हूं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। फरसाटार गांव में जयपुरिया बकरी का बच्चा बना कौतूहल का केंद्र। बंदर जैसा मुख, एक आंख और मानव शिशु की तरह है उसकी आवाज। खबर जनपद बलिया के बेलथरा रोड से। उभा थाना अंतर्गत फरसाटार गांव में शम्मू की जयपुरिया बकरी ने एक अद्भुत बच्चे को जन्म दिया है। बकरी के उस बच्चे की एक आंख है और मुख बंदर जैसा है। उसकी आवाज बकरी के मेमने से भिन्न मानव शिशु जैसी है। हालांकि उसकी आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, वह अपनी मां का दूध पीने में भी अक्षम है। शम्मू के घर स्थानीय ग्रामीणों सहित आसपास के गांव से लोग उस बच्चे को देखने आ रहे हैं। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए शब्बीर अहमद के साथ घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया जिला के सीयर ब्लॉक अंतर्गत फरसाटार ग्राम सभा में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक विचित्र बात हुई है। विचित्र बात यह है कि एक जो है बकरी ने जो है एक बच्चे को जो है कल रात जो है जन्म दिया। यह बच्चा जो है विचित्र है क्योंकि इसकी सर पे जो है एक आंख है और जबान जो है बाहर निकली हुई है। बंदर जैसा जो है देखने पर जो है मुंह इसका प्रतीत हो रहा है। आवाज यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इंसानी आवाज जब वो बोल रही है तो जिस तरह से इंसानी बच्चों की आवाज निकलती है उस तरह की आवाज जो है इसकी निकल रही है। तो कुदरत का जो है यह विचित्र एक नमूना है। लोग जो है कितना भी जो प्रयास कर लें, किसी भी तरह का जो है अपना प्रबंध कर लें, कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी जो है उनके पास जो ताकत आ जाए, लेकिन यही एक चीज है जो कि इंसान जो है नहीं बना सकता। यह कुदरत की तरफ से जो है इंतजाम है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इस बच्चे को देखने के लिए आ रहे हैं कि आखिर जो है बच्चा कैसा है। दूर दराज से लोग दूसरे गांव से भी जो देखने के लिए आ रहे हैं, तो उत्सुकता बस हम लोग भी इसे देखने के लिए यहां आए हैं और आपको जो है दिखा रहे हैं कि देखिए जो है इस बकरी के जो है बच्चे को कि आपने शायद ही कभी जिंदगी में देखा होगा कि एक आंख वाला जो है कोई जानवर हो इस पृथ्वी पे। तो आइए जो है यहाँ पे प्रधान जी है, बात करते हैं, जानते हैं कि इसके बारे में उनका क्या कहना है। प्रधान जी, मैं मेरा जफर है, ग्राम पोस्ट फरसाटार वर्तमान प्रधान। प्रधान जी, ये जो बच्चा है कभी आपने एक आंख का कोई जानवर देखा है? नहीं, पहली बार इस तरह का कुदरत का इंतजाम आज सामने दिखने को मिल रहा है ग्राम सभा को, जिसमें आप आए ये सब सुन के इन सब चीजों को देखने के लिए कि जो आप भारत मीडिया न्यूज चैनल पर आप इसको दिखाए जनता को। उदय भान, उदय भान भाई, जो बकरी के बच्चा बहुत तरह का कभी बच्चा देखा ला जी? ना का कब है देखो, पहली बार हम देखा था। नहीं, कैसा कुल इंतजाम? कुदरत का सब इंतजाम भाई, सब तो कभी देख ले ना नहीं आज तक, इतना समय हो गए। इतना का नाम है तुम्हार? सम्मू। सम्मू, ये तुम्हार बकरी है? हाँ, हमारी है। और ये बच्चा? कई बच्चा दिए? एक ही बच्चा दिए कल। तो ये कल कल दुकान में इतने टाइम गई को दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई। खड़ा हो पा रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। खड़ा भी नहीं हो पा रहा है? नहीं, खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो इसको कुछ खिला पिला रहे हैं? हां, दूध दे रहा है। कैसे दूध पिला रहे? दूध पिल्ली से पिल रहा है। हम नेपुर से पिला रहे हैं। हम इसका जो जबान जो है दिख रहा है बाहर, ऐसे बाहर आ रहा है कि अंदर हो जा रहा है? अंदर हो जा रहा है। और आवाज जो है लोग बचा रहे हैं बच्चों जैसे? बच्चे की नहीं बोल रहा है, इंसानी बच्चों जैसे। हां, इंसानी बच्चे। हां, आपका नाम है? राम भजन। राम भजन जी, ये जो बकरी का बच्चा देख रहे हैं, इस तरह का कभी देखे हैं? नहीं, जिंदगी में तो हम कभी नहीं देखे हैं। क्या कहेंगे इस पे? अब कहेंगे का ऊपर मालिक का कुदरत है, जो बनाए हैं वो ही ना बनाए हैं, पहली बार हम देखे हैं। तो इसकी तो मालिक की गणना है, इंसान की तो गणना है नहीं। हम लोग जो है कितना भी अपनी तदबीर कर ले, लेकिन ये इस तरह का जो है रचना जो है ईश्वर ही रच सकता है, इंसान के बस की बात नहीं। इंसान की बस की बात नहीं।
तो आप देख रहे हैं कि फरसाटार ग्राम सभा है, यहाँ पे जो ग्राम प्रधान मौजूद हैं और यहाँ पे और भी ग्रामवासी मौजूद हैं। इनका जो कहना है कि शाम से जो है, जब से जो इस तरह के बच्चे की बात लोगों ने सुनी, तो यहाँ पे लोगों का जो है तांता लगा हुआ है। लोग जो है दूर दूर दराज से देखने के लिए आ रहे हैं। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ सब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।